संजय लीला बंसाली की काफी प्रोटेस्टेड मूवी पद्मावत अब रिलीज होने जा रही है। करनी सेना के भव्य विरोध के बाद भी लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। खास तौर पर दीपिका और रणवीर की एक्टिंग को बेहद सराहा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं फिल्म पद्मावत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, जो भले ही देखने में मुश्किल ना लगे पर एक्टर्स को कुछ सीन करने में हुई थी बहुत सारी मुश्किल। नंबर एक, एक सीन में रजा मुराद रणवीर सिंह को थप्पड़ मारते नजर आते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक थप्पड़ के पीछे रणवीर को खाने पड़े थे 24 थप्पड़। जी हाँ, असल में शूटिंग के दौरान जब रजा मुराद ने रणवीर को थप्पड़ मारा तो संजय लीला भंसाली को कुछ मजा नहीं आया, तो टेक पे टेक करते हुए ये थप्पड़ सीन को 24 टेक्स के बाद ओके किया गया। नंबर दो, पूरी मूवी का सेट एक शाही अंदाज में रेडी किया गया था, तो दीपिका पादुकोण को तो शाही दिखना भी जरूरी था, तो इसलिए दीपिका ने पहना 35 किलो का लिबास। उनकी ज्वेलरी 11 किलो की है और सिर्फ उनकी चुनरी का वजन 4 किलो है और उनका लहंगा 20 किलो का है। जब दीपिका शूट के लिए रेडी होती थी तो उनका वजन 93 यानी कि 93 किलोस तक पहुंच जाता था, जबकि हमारी स्लिम दीपिका तो सिर्फ 57 किलोस की है। नंबर तीन, इस 35 किलो की कॉस्ट्यूम के साथ घूमर सॉन्ग में दीपिका ने लगाए थे 66 चक्कर। जी हाँ, वैसे घूमर डांस है ही कुछ ऐसा, और संजय लीला भंसाली की मूवी में हो तो और भी आसान नहीं हो सकता, इसलिए तो पहले दिन से ऑडियंस को ये सॉन्ग अपनी शाही अंदाज की वजह से काफी पसंद आ रहा था। नंबर चार, शाहिद कपूर को इस मूवी में प्रभावपूर्ण दिखने के लिए टफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा। चीनी और नमक छोड़ के 15 दिनों तक केवल ब्राउन राइस और बॉइल्ड वेजीज ही खाते थे शाहिद। नंबर पांच, कहा जा रहा है कि मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद रणवीर को साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ी। जी हाँ, रणवीर सिंह इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर में इतना घुस गए थे कि उनके बिहेवियर में काफी चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से उन्हें साइकेट्रिस्ट हेल्प की जरूरत पड़ गई। वेल, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें अबाउट फिल्म पद्मावत।